याद रखिएगा। इनकी एक लाडली दुलारी बेटी और हैं, महाराज मनुशत्रुभा, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, देहूति। देहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ होता है। करदम जी हैं कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। नारद जी मिल गए, सृष्टि में कुछ नहीं रखा है, भजन करो, तपस्या करो। चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया, भगवान आके प्रकट हो गए करदम जी के समक्ष। और भगवान ने कहा करदम जी जो वरदान मांगना हो मांग लो। करदम जी ने विचार किया कि हमारे पिता की इच्छा थी ब्रह्मा जी की कि मैं शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करूं, सृष्टि आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं तपस्या में लग गया। लेकिन तपस्या तो पूरी हो गई, भगवान का दर्शन भी हो रहा है, अब अगर विवाह हो जाता तो काम बन जाता। जब विवाह करना था तपस्या में लग गए। 10,000 वर्ष बीतने के बाद विवाह की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन इतना संकोच है ना कि भगवान से कैसे कहें कि आशीर्वाद दे दो विवाह हो जाए, कैसे कहें वरदान दे दो विवाह हो जाए। पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह की चर्चा होती थी ना, तो हमारे घर की एक कन्याएं बेटियां या चाहे बेटे हो, कहीं भी शादी विवाह की चर्चा होती थी तो वहां से 1 किलोमीटर दूर रहते थे जवान। क्यों? क्योंकि इतनी लज्जा होती थी, इतना सम्मान होता था माता पिता का कि शादी की चर्चा में वहां लोग खड़े नहीं होते थे। लेकिन आज कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। बेटा आकर के सबसे पहले पिताजी के समक्ष एक बात कहता है, पिताजी विवाह की इच्छा प्रकट करे, विवाह करना है ना, तो जरा एक बात ध्यान देना। क्या? मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई, मेरी सुंदरता अच्छे से देख लो। हाँ, 6 फुट का हूँ, 5.5 वाली से काम नहीं चलेगा, बोले भक्त वत्सल भगवान। अब सज्जनों कोई संकोच रह ही नहीं गया। पहले इतना संकोच था, शादी विवाह की चर्चा होती तो बेटा बेटी दूरे रहते थे माता पिता से। संकोच बस करदम जी कह नहीं पा रहे हैं, प्रभु वरदान दे दो मेरा विवाह हो जाए। लेकिन भगवान तो सबके हृदय की ओर की बात समझ लेने वाले हैं। भगवान ने कहा करदम जी कह नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, चिंता मत करो। आज के ठीक तीसरे दिन इसी जंगल में, इसी वन प्रदेश में तुम्हारा विवाह होगा। महाराज मनुशत्रुभा अपनी लाडली दुलारी बेटी देवहूति से आपका विवाह करेंगे। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित आज वही ठीक तीसरा दिन है। कुटिया बना करके जंगल में रहते हैं महाराज करदम, और कहां महाराज मनुशत्रुभा राजा है, राजा राजा की बेटी राजकुमारी देहूति का विवाह आज एक जंगल में रहने वाले महात्मा के साथ होने जा रहे हैं, जिन महात्मा के पास न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, न जल पीने की व्यवस्था। लेकिन पहले का ऐसा समय था कि माता पिता बेटियों का हाथ जिसके हाथ में सौंप देते थे, हमारे घर की ये बेटियां, परिवार की बेटियां उसी के साथ अपने पूरे जीवन का निर्वहन कर लेती थी। सज पहले का समय, एक दिव्य रथ तैयार हुआ, रथ पर महाराज मनुशत्रुभा लाडली दुलारी बेटी देवहूति को लेकर के पधारे। कुटिया में प्रवेश करने लगे, करदम जी की दृष्टि पड़ गई, तो करदम जी ने क्या किया, 3 कुशा के आसन रखे हुए थे, 3 आसन लगा दिया, एक होने वाले ससुर जी के लिए, एक होने वाली सासुरानी के लिए, और तीसरा आसन जो लगा है सज्जनों ना, वो होने वाली पत्नी के लिए। ससुर जी आसन पर बैठ गए, सासुरानी आसन पर बैठ गई। मन में विचार करें, अगर इस परीक्षा को देहूति उत्तीर्ण कर पाती हैं, तब तो मैं इनसे विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह करूंगा नहीं। परीक्षा ली जा रही है तो मन में ली जा रही, बता के नहीं ली जा रही। परीक्षा क्या है, ये आसन होने वाले पति ने लगाया है, और अगर पति के दिए गए आसन पर ये बैठ जाती है, सबसे पहले इनका पातिव्रत भंग हो जाएगा। नहीं बैठती है तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होने वाला है। सामने कुआं है और पीछे खाई, आप जरा विचार करो, ऐसी परीक्षा ली जाए तो कैसे माताएं उत्तीर्ण करेंगी। ये पूरी कथा आप सबके लिए है यार, जो माताएं यहां विराजमान है। लेकिन पहले का हमारा भारत देश, आज भी सज्जनों भारत देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है।
जिस दिन इस देश से पतिव्रताओं का पतिव्रतत्व और संतों का संतत्व सजनों समाप्त हो जाएगा, इस धरती को रसातल में जाने से कोई बचा नहीं सकता। आज धरती अगर टिकी है तो दो के तपस्या पर, दो के बल पर टिकी है, एक संतों के संतत्व पर और दूसरा पतिव्रताओं के पतिव्रतत्व पर। जिस दिन इस धरती से पतिव्रता नष्ट हो गई ना और संत नष्ट हो गए तो इस संसार सागर को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए महात्मा जन कहते हैं कि आग लगी आकाश में तो झड़ झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। आज ये संसार जो चल रहा है ना, ये संतों के संतत्व पर, संतों की तपस्या पर। आप बताओ, जरा विचार करो, जंगल में जा करके बिना कुछ खाए पिए और हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान धारणा समाधि लगा रहे किसके लिए? न परिवार है, न घर है, न पत्नी है, न पुत्र है, न गृहस्थी है, न धन है, न दौलत है, न मकान है, न दुकान है, फिर भी महात्मा गण जा करके जंगलों में क्यों समाधि ले रहे हैं, क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्यों ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे? केवल इस संसार को चलाने के लिए। सज्जनों सच बताऊं, हमारी भारत की माताएं अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। विदेशी महिलाओं में ये गुण नहीं है, विदेश में आपको पतिव्रता नारी नहीं मिलेंगी। एक महात्मा का नाम आपने सुना होगा, ये कथा मैं बार बार कहता हूं लेकिन अब प्रसंग है, रोचकता बढ़ जाती है। कुछ श्रोता पुराने उनको तो याद है, लेकिन जो नए हैं उनके तो नवीन है। संत जन कहते हैं, विवेकानंद सरस्वती जी महाराज पधारे, विदेश में देखते हैं कि एक विदेशी महिला के पति देवता संसार छोड़ के चले गए, तो ग्रामवासी सब मिलकर के समाज के लोगों ने पत्थर की समाधि बना दी है, जिसे हमारे यहां समाधि ईंट आदि की बनती है। गर्मी के महीने में दोपहर के समय में पंखा लेकर के वो पत्नी अपने पति की समाधि पर हवा कर रही थी। स्वामी जी पहुंचे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मैं भारत देश से आया हूं, हमारे भारत देश में हजारों लाखों की संख्या में पतिव्रता नारियां हैं, धर्म शास्त्रों में जिनकी जय जयकार होती ऐसी नारियां हैं, परंतु तुमसे सब नीचे। हमारे यहां जब तक पति देवता जीवित रहते तब तक सेवा होती है, अब आप तो इतनी आगे निकल गई ना, पति देवता मर गए हैं, समाधि पर पंखे सेवा कर रही है। ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जैसे चरणों पर गिरने के लिए जा रहे थे ना, प्रणाम करने के लिए झुक रहे थे, वो देवी दूर जाके खड़ी हो गई। बाबा आप मुझे समझ नहीं पाए, मैं कोई पतिव्रता नहीं हूँ, हो कौन बताओ तो? कहा हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति देवता मर जाए तो पहले जाकर के समाधि बनाओ, असमाधि जब तक सूख नहीं जाएगी तब तक दूसरा विवाह नहीं होगा। ये गर्मी के महीने में धूप में बैठ करके पंखे से हवा करके मैं ये समाधि सुखवा रही हूँ, जल्दी सूख जाए दूसरा कर लूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और हमारे भारत देश की परंपरा, किसी कारणवश से अगर पति देवता संसार छोड़ के चले गए, ऐसी ऐसी नारियां आपको इस धरती पर, इस भारत देश में मिलेंगी कि जो पति के नाम पर अपने पूरे जीवन का निर्वहन कर लेती हैं। सज्जनों नारियों का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, मन से वाणी से कर्म से पति की आज्ञा का पालन करें, पति की सेवा करें, पति सेवा लेना। पहले के जमाने में हमारी माताएं पति सेवा नहीं लेती थी, अब तो ऐसा परिवर्तन हो गया। अरे अभी रूपापुर गांव में नहीं हुआ है, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, हाँ हैदराबाद जाओ, अहमदाबाद जाओ, जाके देखो पति देवता 8 घंटे ड्यूटी भी करेंगे और शाम को भोजन बनाने की, बर्तन साफ करने की, घर में झाड़ू बुहारू लगाने की जिम्मेदारी पति की है, बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी व्यवस्था चल रही है, सुबह बेडटी बना करके पति देवता स्वयं ही पिएंगे, पत्नी को भी पिलाएंगे। आप सबको बताऊं, अगर किसी कारण से पत्नियां अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, तब तो अगर सेवा ले रही हैं सजनों कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लेकिन अगर सब शरीर स्वस्थ है तब पति से सेवा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, माताओं से विशेष करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करें। आज सजनों देहूति के समक्ष जब इतनी बड़ी परीक्षा होने लगी, देहूति ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। कैसे? दिए गए आसन पर देहूति बैठी नहीं, बिना आसन के बैठ करके उस आसन पर अपने दाहिने हाथ को रख दिया, पति देव आपके द्वारा दिए गए आसन पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन आपने आसन अगर दिया है तो मैं इसको अपने हृदय से स्वीकार करती हूँ, बोली भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षा में उत्तीर्ण हुई सज्जनों, और जब विवाह की तैयारी होने लगी तो करदम जी ने एक शर्त रख दिया, एक संतान होने के बाद मैं जंगल चला जाऊंगा। महाराज मनु शत्रुपा ने कहा, इसे महात्मा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा ही नहीं, नहीं करूंगा विवाह। क्यों? जंगल चले जाओगे, मेरी पत्नी पुत्री की देख रेख कौन करेगा? पत्नी तुम्हारी करेगी क्या जंगल में अकेले? इसलिए मैं विवाह करूंगा ही नहीं। देहूति ने कहा, पिताजी मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। क्यों? सजनों सच बताओ, देहूति का विवाह इस धरती पर अगर किसी से हो सकता है तो केवल करदम जी से। और संसार सागर में देवहूति की योग्य इस धरती पर कोई वर आज तक जन्म ही नहीं लिया जिसका वरण देवहूति करे। हाँ, क्योंकि देवहूति का अर्थ जानते हैं? देवहूति का सीधा सा अर्थ होता है, जिन्होंने अपने शरीर की संपूर्ण आहुति देवताओं को कर दी है वही तो है देवहूति। और देहूति का विवाह होगा किससे? महाराज करदम जी से। करदम जी का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे महाराज करदम जी के साथ देहूति का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। कुटिया में आए